अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो ये भी काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ काफ़ी सारे मिस्ट्री बॉक्सेस के अनबॉक्सिंग, और इसके साथ साथ हमारे पास एक बड़े वाला मिस्ट्री बॉक्स भी मौजूद है, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन मिस्ट्री बॉक्स दिखाने से पहले यार मैं अब एक और काम करूँगा, अपने कमेंट्स जो भी लोग आप कमेंट्स करोगे उनमें से एक कमेंट पिक किया करूँगा जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा। तो इस बार का कमेंट ये मैंने फ्रेश गेमर्स का जो है ना वो पिक किया है। ये बड़ा ही प्यारा सा कमेंट किया गया था जो मुझे सबसे डिफरेंट लगा, तो बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, आप वो पढ़ लो। और उसके साथ साथ हो सकेगा तो मैं इनका जब चैनल चेक करूँगा, अगर मुझे चैनल अच्छा लगेगा तो मैं चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया करूँगा। तो इस चैनल का मैंने लिंक भी डाल दिया, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, जाके देखो। तो ये मेरी किसी बहन का चैनल है, मुझे इनका नाम वगैरह का तो नहीं आइडिया, लेकिन जो भी है जाके चेक कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सब्सक्राइब कर लो। चलो जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो की तरफ बढ़ते हुए बालों को दिखाता हूँ आज के हमारे मिस्ट्री बॉक्सेज। ये तकरीबन 6 या 7 हमारे पास जो मिस्ट्री बॉक्स है, द्रास में काफ़ी धूम मची हुई है आजकल। बॉक्स 5 जब भी द्रास खोलो तो लाजमी तौर पर ये हमारे सामने आ रहा है, जैसे स्क्रीनशॉट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जब बार बार सामने आया तो मैंने तकरीबन 6 या 7 बॉक्स 5 मंगवा लिए। उसके साथ साथ हमारे पास ये एक बड़ा मिस्ट्री बॉक्स है, ये मैंने किसी और स्टोर से मंगवाया था, इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, और ये भी आज अनबॉक्सिंग होगी और देखेंगे क्या निकलता है इसके साथ साथ। तो दोस्तों जिस तरह ये कमेंट मैंने शो किया, आप लोग भी अगर अपना कमेंट शो करवाना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको यहाँ पर शो कर दूँगा। और हाँ, आज की जो वीडियो है ये एक गिव अवे वीडियो भी होने वाली है, तो जो भी लोग देख रहे हो इस वीडियो के नीचे, आप लोगों के पास अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रख रहा कितने लाइक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस जितने भी कमेंट्स आ जाएंगे उनमें से एक कमेंट पे करके मैं विनर चूज़ कर लूँगा, और उसको इसमें से एक मिस्ट्री बॉक्स मैं सेंड कर दूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक्स, तो 500 लाइक्स आप लोगों ने कर देने हैं, और उसके साथ साथ चैनल पे न्यू हो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने चाहते हो और इनाम जीतना चाहते हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से पता चलो कि अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, हो सकता है आपका चैनल भी ऐसे ही प्रमोट हो जाए, उसके साथ साथ आप गिव अवे भी जीत सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करने के आप लोगों को 2 फायदे हो सकते हैं, तो आप लोग देख लोगे आप लोगों ने फायदा उठाना नहीं उठाना। तो चलिए जी मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता चलूँगा जितने भी ये मिस्ट्री बॉक्स हैं इनकी जो प्राइस है 250 है, 250 का मिस्ट्री बॉक्स लगा हुआ है द्रास पे, आप लोग चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप लोग खुद परचेज करना जो वहाँ से आगे परचेज भी कर सकते हो। बहुत अच्छा मिस्ट्री बॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा इसकी धूम मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खरीद भी लें, इसलिए मैंने खरीदा। तो चलो जी सबसे पहले वाला मिस्ट्री बॉक्स ओपन करते हैं, और कैंची की जगह छुरी ले आया हूँ बस जो मिला, ठीक है जी। चलो जी इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है जी, ये आर पार हो गया, आर पार हो गया, शायद होगा, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद पैकेट के अंदर से एक और पैकेट, अब इसको मैं खोल के देखता हूँ, मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी ये खुल चुका है, अब द्राज के पैकेट के अंदर एक पैकेट मौजूद था, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास चीज़ें निकल रही हैं, तो चीज़ें मैं आप लोगों को जो है गिना के ऐसे फिर मैं दोबारा से इसको रख दूँगा ताकि गंद वगैरह ना पड़े, थोड़ा सा आगे आता जाऊँगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देख सको। सबसे पहले एक पैकेट के अंदर एक OTG है, ठीक है, और एक कार्ड है, और उसके बाद एक पॉप सॉकेट, ठीक है जी, 3, और एक की चेन और एक मोबाइल होल्डर। यानी कि उस यानी कि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि हम 5 चीज़ें देंगे आपको 250 के अंदर, हर चीज़ की कीमत 50 रुपये होगी। 50 का तो ये मिलता है, ये तो थोड़ी 50 से कम की होती है, तो ये भी 50 का मिलता है और ये 50 का मिलता है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल तो चीज़ें ये फ़िलहाल ठीक हैं। तो अब देखते हैं कुछ हमारे साथ बड़ा हो जाए, नेक्स्ट मिस्ट्री बॉक्स को हम चेक करते हैं। 6 वाला जो मिस्ट्री बॉक्स है ना वो मैं गिव अवे करूँगा। तो जी नेक्स्ट ओपन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। तो ये भी मैंने काट दिया, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है यार, अभी 2 खोले हैं तो 2 की पैकिंग ही बहुत कमाल की है। तो चलो जी इसको भी मैं जल्दी से ओपन करता हूँ। तो जी ये कुछ अच्छा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूँ, चीज़ें बहुत हैवीली पैक की हैं यार, बड़े क्लेवर तरीके से ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। एक हैंड फ्री है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक USB एक्सटेंशन केबल, एक की रिंग, एक पॉप सॉकेट और एक मोबाइल होल्डर।
ये अच्छा है, इसके अंदर हैंड फ्री भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब ये सोच रहा हूँ कि ये वाला गिव अवे होना चाहिए, बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी इसको लिस्ट में रख लेते हैं कि ये वाला हम गिव अवे करेंगे, बाकी देखते हैं इससे कुछ बेहतर निकला तो वो हम गिव अवे कर देंगे। वो आया था तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। चलो जल्दी से मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी ओपन हो गया, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलो जी चलो जी चलो जी, वाह पैकिंग बहुत अच्छी है यार, पैकिंग जितने भी ओपन कर रहा हूँ बहुत अच्छी पैकिंग में आ रहे हैं। ओपन करने लगा हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। ऐसा नॉर्मल है, बलून्स भी हैं, लेकिन ये आम बलून्स नहीं है, मेटालिक बलून्स हैं, ठीक है जी। एक माउस पैड है, ठीक है जी। उसके अलावा वही OTG और मोबाइल होल्डर और पॉप सॉकेट और बलून। चलो जी नेक्स्ट ओपन करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, क्या हमें देखने को मिलता है। तो जल्दी से ओपन। तो इसके भी पैकिंग के मामले में यार ये बंदा बाजी ले गया। और एक लेज़र जिसके साथ हम बचपन में खेला करते थे, ठीक है। और वही पॉप सॉकेट, OTG और ये भी नॉर्मल है। वो हैंड फ्री वाला अभी तक हमारे पास शॉर्ट लिस्ट है, इसके अंदर हैंड फ्री निकली है, अभी तक ओपन कर ली। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। आर पार हो गया, तोड़ दी मैंने, बहुत जोर आ गया था, तोड़ दिया इसको। अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, अब ओपन करते जाएंगे जैसे ही। यार बस टूट गया, क्या करना। अच्छा जी ये भी इसके अंदर से भी एक हैंड फ्री निकली है, एक चीज़ें कम नहीं है, एक OTG, एक कार रीडर और एक पॉप सॉकेट और बलून्स, वही पांच चीज़ें, लेकिन वो सबसे अभी तक बेस्ट है। फिर से इसको वापस रख देता हूँ ताकि अभी तक वो बेस्ट है, ठीक है जी। अब एक और, इसके बाद एक बड़ा भी स्ट्रीमॉक्स है, वो भी देखते हैं कि उसका क्या करना है हमने। तो चलो जी जल्दी से इसको भी मैं ओपन करता हूँ। ये भी ओपन हो गया, अब देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। वाह व्हाट अ पैकिंग के मामले में ये बंदा बाजी ले गया मेरे भाई। लो जी एक इसमें लाइट है, फेरी लाइट, और एक कार रीडर है, एक मोबाइल होल्डर है और एक पॉइंटर है। ये चीज़ें भी कम और इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है जी। चार चीज़ें निकली हैं, पांच पूरी निकली। सारी अब बड़े वाले की, और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। चलिए जी इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। जो इसकी प्राइस है वो है तकरीबन 2500 रुपये इसकी प्राइस है, और देखने को क्या मिलता है वो तो हमने इसको ओपन करने के बाद ही चेक करना है। चलो जल्दी से ओपन करते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसा यार अमेज़ोन पे मज़ा आता है ना, यहाँ पे मुझे नहीं लगता आता। चलो जो भी आप चेक तो करना है ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये हैं जी, एक और दो डेस्कटॉप चार्जर, डड्डू चार्जर जिसको कहते हैं। अब इसका दौर ही नहीं है यार, जिन दुकानों पे पड़े होते हैं वो मिस्ट्री बॉक्स में डाल के बेच देते हैं, ये तो इनके काम है खाली शॉप पर वो चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। एक है जी पोर्टेबल फ़ैन, छोटा चार्जिंग फ़ैन है इसका, मेरे पास पहले भी मौजूद है, रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अलरेडी टीवी पे देखना चाहो जाके देख सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक निकली है ब्राइट परफ्यूम एयर फ्रेशनर, ठीक है जी, एयर फ्रेशनर है जी, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं, इसके अंदर दोबारा से रखूँगा। और उसके बाद दोस्तों एक और परफ्यूम है जी फॉर वुमेंस एंगेज्ड, ठीक है जी। ये हो गया। लास्ट चीज़ हमारे पास जो मौजूद है ये है जी USB मिनी फ़ैन, ठीक है जी। ये भी चार्जिंग से चलने वाला एक पंखा है, तो इसकी भी मैं कोशिश करूँगा रिव्यू वीडियो बना दूँगा। कोई इतनी ख़ास चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बना दूँगा। गर्मी शर्मी है, आप लोगों को पसंद आ जाएगी, ग्लास पर अगर मिल गया तो फिर इसकी रिव्यू वीडियो भी आ जाएगी। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।